हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पारसादा बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड कंप्यूटर चैप्टर से चैप्टर 1 to 6 चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 टक्स पेंट। इसमें आप जानेंगे फीचर्स ऑफ टक्स पेंट, स्टार्टिंग टक्स पेंट, मेन स्क्रीन, टूल्स इन टक्स पेंट, मेन्यू एंड पेंट, सेव, फिल, इरेज, स्टाम्प, सेविंग पिक्चर्स, ओपन इमेज एंड क्लोजिंग टक्स पेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट एमएस पेंट प्रोग्राम। पिछले चैप्टर में हमने एमएस पेंट प्रोग्राम के बारे में जाना था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वन मोर अमेजिंग ड्राइंग प्रोग्राम। इस चैप्टर में भी हम एक दूसरे अमेजिंग ड्राइंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। टक्स पेंट इन विच यू कैन ड्रॉ विथ साउंड इफेक्ट। टक्स पेंट जिसमें आप कोई भी चीज़ को साउंड इफेक्ट के साथ ड्रॉ कर सकते हो। टक्स पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम। टक्स पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है। We can use it to draw and color picture on a computer. इसमें हम draw and pictures को color करने के लिए computers में tux paint का use करते हैं। The tux window has tools, colors and void and white drawing canvas. Tux paint में tools, colors and white drawing canvas होते हैं। फीचर्स ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट इज़ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द टर्म्स ऑफ JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। टक्स पेंट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी लोड करके इसको यूज कर सकता है। फीचर्स ऑफ टक्स पेंट। अब हम फीचर्स जानेंगे टक्स पेंट के। टक्स पेंट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्राम। टक्स पेंट एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। इट इज़ अवेलेबल फ्री, ये फ्री में अवेलेबल रहता है। इट हैज़ नंबर्स ऑफ ड्राइंग एंड कलर स्टोर्स। इसमें बहुत सारे ड्राइंग एंड कलर स्टोर्स होते हैं। इट हैज़ फन साउंड इफेक्ट व्हेन टूल्स आर सेलेक्टेड। जैसे ही आप टूल्स को सेलेक्ट करते हो इसके साथ फन साउंड्स भी होते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। स्टार्टिंग टक्स पेंट। सबसे पहले हम जानेंगे टक्स पेंट को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑल एप्स एंड थ्री, क्लिक टक्स पेंट। व्हेन टक्स पेंट फर्स्ट लोड दिस टाइटल स्क्रीन विल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ही फर्स्ट टाइम आप टक्स पेंट को लोड करते हो तो सबसे पहला स्क्रीन टक्स पेंट का इस प्रकार का आता है। द मैस्कॉट टक्स इज ड्राइव फ्रॉम द पेंजिन। पेंजिन से इसको ड्राइव किया गया है। मेन सोर्स। द मेन सोर्स इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन। इसके मेन सोर्स को विभिन्न सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 1, 2 and 3। पहला हम देखेंगे लेफ्ट साइड टूल्स बार। द टूल्स बार कंटेन द ड्राइंग एंड एडिटिंग कंट्रोल्स। इस टूल्स बार में ड्राइंग एंड कंट्रोल एडिटिंग के टूल्स मौजूद होते हैं। मिडल ड्राइंग कैनवास। मिडल में हमारा ये ड्राइंग कैनवास होता है जहाँ पे हम कोई भी पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज इन द सेंटर। इट इज़ द ड्राइंग कैनवास। बहुत बड़ा स्क्रीन जो है हमारा सेंटर पर होता है जिसे हम ड्राइंग कैनवास कहते हैं। दिस इज़ द कैनवास वेयर यू कैन ड्रॉ द पिक्चर। ये कैनवास है जहाँ पर हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। राइट साइड सेलेक्टर। डिपेंडिंग ऑन द करेंट टूल्स द सेलेक्टर शो द डिफरेंट थिंग्स। करेंट में जिस भी टूल्स को आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के
टूल्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन द पेंट ब्रश टूल्स इज सेलेक्टेड, इट शो वेरियस ब्रशेस अवेलेबल. व्हेन द रबर स्टाम्प टूल इज सेलेक्टेड, इट शो डिफरेंट शेप यू कैन यूज. मान लीजिए अगर आप पेंट ब्रश टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के ब्रश अवेलेबल टूल्स ओपन हो जाते हैं, और उसमें से हम रबर स्टाम्प टूल्स को, उसी प्रकार जब हम रबर स्टाम्प टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट रबर्स टूल्स ओपन हो जाते हैं, और हम अपने शेप्स के अकॉर्डिंग, अपने करंट डॉक्यूमेंट्स इमेज के अकॉर्डिंग हम कोई भी टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. लोअर कलर, लोअर कलर्स, प्लेट्स ऑफ अवेलेबल कलर इज शोन नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. कलर प्लेट्स जो है हमें इसमें बॉटम पर स्क्रीन के सामने अवेलेबल रहते हैं. बॉटम हेल्प एरिया, ये बॉटम में हेल्प एरिया मौजूद रहते हैं. एट द बॉटम ऑफ द टच स्क्रीन द लिनक्स पेंटियम प्रोवाइड टिप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हाइल यू ड्रॉ. बॉटम में हमारे पास लिनक्स पेंटियम प्रोवाइड करता है विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन जब आप कैनवास पे कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे होते हैं. टूल्स इन टक्स पेंट, अब हम टक्स पेंट में टूल्स की जानकारी देखेंगे. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टक्स पेंट देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल और टूल्स हैज मेनी ऑप्शन. टक्स पेंट के लेफ्ट साइड विभिन्न प्रकार के टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें विभिन्न ऑप्शंस होते हैं. नंबर वन, न्यू टूल्स. दिस टूल्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास. न्यू टूल्स की मदद से हम न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन चूज द स्टार्ट न्यू पिक्चर्स यूजिंग द सॉलिड बैकग्राउंड कलर और यूजिंग अ स्टार्टर इमेज. आप इसमें से न्यू पिक्चर्स लेकर उस पर सॉलिड बैकग्राउंड कलर इस प्रकार का हम डाल सकते हैं इसको डालने के लिए, या फिर पहले से मौजूद कोई भी इमेज को हम अपने कैनवास में डाल सकते हैं. इसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे. टू ओपन सॉलिड बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे. क्लिक न्यू टूल्स, इट विल शो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स. इसमें हमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट बैकग्राउंड शो होते हैं. सेलेक्ट एनी सॉलिड बैकग्राउंड टू ड्रॉ अ न्यू पिक्चर. यहाँ से हम कोई भी सॉलिड बैकग्राउंड लेकर उस पर हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन चूज एनी स्टार्टर इमेज बाय स्क्रॉलिंग टू व्यू मोर पिक्चर्स एंड इंसर्ट इमेज ड्राइंग कैनवास. या फिर हम पहले से मौजूद स्टार्टर इमेज में उसको स्क्रॉल करते हुए कोई भी इमेज को हम अपने कैनवास पे ला सकते हैं और फिर उसमें ड्राइंग कर सकते हैं. ये इस प्रकार कोई भी इमेज को लाकर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट हो जाता है पेंट टूल. वी कैन यूज पेंट टूल इन मेक फ्रेश, मेक फ्री एंड ड्राइंग. पेंट टूल्स का यूज़ करके हम ड्राइंग कर सकते हैं. इसके डिफरेंट स्टेप्स इस प्रकार हम फॉलो करेंगे. चूज द सॉलिड बैकग्राउंड, क्लिक ऑन पेंट टूल, नेक्स्ट क्लिक ऑन ब्रश स्टाइल, नेक्स्ट क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू यूज, एंड फोर होल्ड द माउस एंड स्टार्ट टू ड्रॉ एन इमेज ऑन द कैनवास एरिया. सबसे पहले हम पेंट टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रश स्टाइल पर क्लिक करेंगे, देन हम जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से हम कलर पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट हम माउस को होल्ड करते हुए अपने कैनवास एरिया पे कोई भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर थ्री, शेप टूल्स. वी कैन यूज दिस टूल्स टू ड्रॉ डिफरेंट शेप. यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट शेप को ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें हम निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे. नंबर वन, क्लिक ऑन द शेप टूल्स, शेप टूल्स पर क्लिक करेंगे.
click on a shapes, click on a color, hold down the mouse and start to draw shape. Move the mouse around canvas, rotate shapes. उसके बाद हम माउस को होल्ड करते हुए शेप्स को ड्रॉ करेंगे और माउस को मूव करते हुए कैनवास पे हम शेप को कहीं भी रोटेट करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कहीं भी हम रोटेट करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर्स के आगे पॉइंट्स पर एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम इस चैप्टर्स के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।